नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे बिजनेस स्पेसिफिक वीडियो में, जहां आज हम बात करेंगे एक ऐसे बिजनेस इंडस्ट्री के बारे में जिसको इंडिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी कहा जाता है। ये बिजनेस हर साल लगभग 10-20% की ग्रोथ से बढ़ रहा है। हम बात कर रहे हैं पॉटरी फार्म बिजनेस के बारे में, तो चलिए जानते हैं कि कैसे व्यापार बिलिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर आप इस बिजनेस को मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले व्यापार अकाउंटिंग एप्लीकेशन ओपन कर लेंगे। अगर आपके पास पहले से ही चिकेंस अवेलेबल है तो आप उन्हें स्टॉक में ऐड करने के लिए ऐड आइटम पर क्लिक कर आइटम नेम, आइटम यूनिट और डिस्क्रिप्शन में उसकी अदर डिटेल्स भी ऐड कर सकते हैं, और फिर स्टॉक पर क्लिक कर ओपनिंग क्वांटिटी में जितना स्टॉक आपके पास अवेलेबल है एंटर कर लेंगे। एड प्राइस में प्रोडक्ट की प्राइस पर यूनिट वैल्यू ऐड कर सकते हैं, जो आपके स्टॉक वैल्यू कैलकुलेट करने में हेल्प करती है, और फिर अपनी डेट सेलेक्ट कर उसकी लोकेशन भी ऐड कर सकते हैं। सेव करते ही आपका स्टॉक ऐड हो जाएगा। और अगर आप एग्स, क्रेट या पीस के अकॉर्डिंग सेल करते हैं तो सबसे पहले हम अपनी यूनिट ऐड कर लेंगे, जिसके लिए आप यूनिट पर क्लिक कर ऐड यूनिट पर क्लिक कर यूनिट नेम और उस यूनिट का शॉर्ट नेम एंटर कर सेव करते ही आपके यूनिट लिस्ट में ऐड हो जाएगी। एक्स को स्टॉक में ऐड करने के लिए ऐड आइटम पर क्लिक कर आइटम नेम और यूनिट पर क्लिक कर उसकी यूनिट सेलेक्ट कर लेंगे, या हमने प्राइमरी यूनिट कैरेट और सेकेंडरी यूनिट पीसेस को सेलेक्ट किया है। एक कैरेट में 30 पीसेस है तो हमने यहाँ वैल्यू भी ऐड कर दी है। ऐसे ही बाकी डिटेल्स जैसे कैटेगरी, डिस्क्रिप्शन, सेल प्राइस आदि डिटेल्स एंटर कर स्टॉक पर क्लिक कर लेंगे, और जो स्टॉक फिलहाल आपके पास है उसकी क्वांटिटी एंटर कर लेंगे, और जरूरत अनुसार अदर डिटेल्स फिल कर सेव करते ही आपका स्टॉक ऐड हो जाएगा। यही नहीं, अगर आपके मल्टीपल पोल्ट्री फॉर्म्स हैं और आप अवेलेबल चिकेंस या उनके स्टॉक को सेपरेटली मैनेज करना चाहते हैं, या आप एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन का स्टॉक ट्रांसफर एंट्री करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमने डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है। पूरा वीडियो देखने के लिए ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर भी क्लिक कर पूरा वीडियो देख सकते हैं। अब मान लीजिए फर्म ए से आपको 200 से 300 एग्स का हर रोज प्रोडक्शन होता है और आप इसका डेली बेसिस पर रिकॉर्ड रखना चाहते हैं, तो आइटम पर क्लिक करते ही आपको राइट साइड में एडजस्ट आइटम का फील्ड दिखाई देगा, जिस पर क्लिक करते ही आपको एड एंड रेडियोस का ऑप्शन दिखाई देगा, यानी आप यहां से डायरेक्टली अपना स्टॉक ऐड या रिड्यूस भी कर सकते हैं। स्टॉक ऐड करने के लिए ऐड स्टॉक सिलेक्ट कर अपना गोडाउन यानी फार्म सिलेक्ट कर लेंगे, जिस फार्म से आप अपना स्टॉक ऐड करना चाहते हैं, और एडजस्टमेंट डेट सिलेक्ट कर टोटल क्वांटिटी में जितने एक्स का पर डे प्रोडक्शन होता है उसकी वैल्यू ऐड कर आइटम यूनिट सिलेक्ट कर लेंगे। एड प्राइस में आपको कुछ नहीं डालना है क्योंकि एक्स फार्म से प्रोड्यूस किए हैं। डिस्क्रिप्शन में आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी डिटेल्स डालकर सेव करते हैं तो आपका स्टॉक ऐड हो जाएगा। ऐसे ही आप डेली बेसिस पर प्रोड्यूस होने वाले एग्स की एंट्री कर स्टॉक में आसानी से ऐड कर सकते हैं, या आप स्टोर पर क्लिक कर अपनी फार्म्स में अवेलेबल स्टॉक भी आसानी से चेक कर सकते हैं। अब आप जब भी एग सेल करते हैं तो एड सेल पर क्लिक कर आप अपनी पार्टी सिलेक्ट कर अपना फर्म सिलेक्ट कर लेंगे, जिस फर्म से आप सेल करना चाहते हैं, और फिर अपना आइटम सिलेक्ट कर डिस्क्रिप्शन और उसकी यूनिट में कैरेट या पीस अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ हमने 2 कैरेट सिलेक्ट किया हुआ है यानी 60 पीसेस, और फिर बाकी डिटेल्स फिल कर पेमेंट टाइप, यहाँ पर आप मल्टीपल पेमेंट मोड भी आसानी से सिलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में आप अपना नोट भी एंटर कर सेव कर देंगे तो आपका बिल जनरेट हो जाएगा, जिससे आप चाहे तो WhatsApp, ईमेल या SMS के जरिए शेयर भी कर सकते हैं। अब अगर आप चिकेंस या कोई भी आइटम परचेज करते हैं तो एड परचेज पर क्लिक कर अपनी पार्टी सिलेक्ट कर ऐड कर लेंगे। अगर आप अपनी फर्म चेंज करना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए ड्रॉप डाउन से आसानी से चेंज कर सकते हैं, और फिर अपना आइटम सिलेक्ट या ऐड कर उसकी अदर डिटेल्स जैसे डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, यूनिट आदि डिटेल्स एंटर कर सेव करते ही आपका आइटम स्टॉक में ऐड हो जाएगा। साथ ही आप अपने एक्सपेंसेस पर क्लिक कर एड एक्सपेंसेस पर क्लिक करते ही अपना एक्सपेंस सिलेक्ट या फिर एड एक्सपेंस कैटेगरी पर क्लिक कर
एक्सपेंस कैटेगरी और एक्सपेंस टाइप सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि ये एक डायरेक्ट एक्सपेंस है। सिलेक्ट कर, सेव कर और फिर अपना एक्सपेंस आइटम नेम ऐड या सिलेक्ट कर सभी डिटेल्स डालकर सेव कर लेंगे। इसी तरह आप अदर एक्सपेंसेस जैसे पेट्रोल, रेंट, सैलरी आदि भी आसानी से मैनेज कर सकते हैं। साथ ही आप चाहे तो माई ऑनलाइन स्टोर का यूज कर ऑनलाइन स्टोर भी आसानी से बना सकते हैं। और इन सभी एक्टिविटीज की डिटेल्ड रिपोर्ट देखने के लिए रिपोर्ट सेक्शन पर क्लिक करते ही सबसे पहले रिपोर्ट आपको मिलती है सेल रिपोर्ट। यहाँ आप अपने अकॉर्डिंग डेट फिल्टर्स या ट्रांजैक्शन फिल्टर्स से लगा सकते हैं। परचेज में आप अपनी सभी परचेज भी आसानी से देख सकते हैं और डे बुक में आप अपनी डे टू डे एक्टिविटीज, ऑल ट्रांजैक्शंस, प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट, पार्टी स्टेटमेंट और चाहे तो जीएसटी रिपोर्ट्स भी देख सकते हैं और जरूरत पड़ने पर उन्हें एक्सेल या पीडीएफ में डाउनलोड भी कर सकते हैं। साथ ही आप सेल परचेज रिपोर्ट बाय आइटम कैटेगरी भी देख सकते हैं, जो आपको बताने में हेल्प करता है कि किस कैटेगरी का प्रोडक्ट सबसे ज्यादा सेल हुआ है। ऐसे ही 40 प्लस रिपोर्ट्स जहां आपको दिए हुए हैं, जो आपके बिजनेस को और भी बेहतर समझने में मदद करता है। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे सपोर्ट नंबर 9333911911 पर कॉल कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा और ऐसे ही अदर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे सेट करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हैप्पी व्यापारिंग।